अच्छा, जैसे ही विंटर शुरू होता है, बहुत सारे लोगों में से, जैसे आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों को डैंड्रफ की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती होगी, मुझे भी हो जाती है डैंड्रफ की प्रॉब्लम। तो मैं क्या करती हूँ डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि जो डैंड्रफ होता है वो बालों का बहुत बड़ा दुश्मन होता है। एक बार आपके बालों में डैंड्रफ आ गया ना, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, आपका हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है, साथ ही उसकी वजह से, मतलब डैंड्रफ की वजह से चेहरे पे पिंपल्स भी निकल जाते हैं बहुत सारे लोगों के, और साथ ही ये हेयर लॉस कॉज कर देता है, बालों से बहुत ही गंदी सी स्मेल आने लगती है। तो डैंड्रफ अगर आपके बालों में आ गया तो समझ लीजिए कि आपका बाल, आपके बाल का झड़ना तो तय ही है, हेयर का रिग्रो भी स्टॉप हो जाता है, बाल लंबे भी नहीं होते हैं, मतलब कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तो बहुत जरूरी है कि आपके बालों से डैंड्रफ चला जाए जितनी जल्दी हो सके। मैं हमेशा, जब भी मेरे बालों में डैंड्रफ आता है ना, तो मैं इन रेमेडीज का यूज करने वाली हूँ। आज की वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगी रेमेडीज, उन रेमेडीज का मैं यूज करती हूँ और मेरे बालों से डैंड्रफ बहुत ही जल्दी चला जाता है, छू मंतर हो जाता है एक तरीके से कह लीजिए। तो अगर बहुत ज्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम है आपको, तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होने वाली है आपके लिए। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें मैं आप लोगों के साथ दो रेमेडी शेयर करने वाली हूँ और दोनों में से आप दोनों ट्राई कर सकते हैं। जैसे वीक में एक बार एक दिन एक रेमेडी लगाइए, दूसरे दिन दूसरी लगा लीजिए। तो अगर आप इन रेमेडीज का यूज करते हैं तो 100% आपके बालों से डैंड्रफ चला जाएगा। तो ये जो रेमेडी है ना, वो डैंड्रफ को क्लियर करने के साथ साथ आपके बालों को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाती है, जिससे आपके बाल झड़ेंगे भी नहीं, और साथ ही आपके बाल, कई लोगों के बाल बीच में से ही ब्रेक हो जाते हैं, तो वो इसीलिए होते हैं क्योंकि बाल कमजोर होते हैं। तो ये जो रेमेडीज है ना, वो आपके बालों को स्ट्रांग बनाएंगी, डैंड्रफ को पूरी तरह से खत्म करेंगी, और साथ ही साथ इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट है आपके हेयर के लिए। तो ये जो रेमेडीज है वो बहुत ही अच्छी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरीके की अगर बहुत सारी वीडियोज आपको देखनी है। तो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल बहुत सारी वीडियोज हेयर के रिलेटेड, स्किन के रिलेटेड शेयर की है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। और अब चलिए फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहली रेमेडी है वो आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने ये होममेड एलोवेरा ऑयल लिया है, इसमें बहुत सारी हर्ब्स भी हैं। तो ये अलोन बहुत ही सारी हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम को खत्म करता है, डैंड्रफ भी क्योर करता है, लेकिन यहाँ पे ये जो रेमेडी मैं बता रही हूँ वो बहुत ही स्ट्रांग है डैंड्रफ के लिए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कोई भी कैरियर ऑयल लेना है, मैंने होममेड एलोवेरा ऑयल लिया था, उसके बाद इसमें मैं नीम ऑयल मिक्स करने वाली हूँ। अच्छा, नीम ऑयल हमारे बालों के लिए ना बहुत अच्छा होता है, ये जुओं को भी खत्म करता है, डैंड्रफ भी खत्म करता है, क्योंकि इसके अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है और साथ ही विटामिन ई होता है और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे बालों से डैंड्रफ को खत्म करती हैं। उसके बाद यहाँ पे एक मैं कैम्फर का पीस लूंगी, देख सकते हैं आप, ये प्योर कैम्फर है, कैम्फर के अंदर बहुत ज्यादा एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, ये भी आपके स्कैल्प से जुओं को और डैंड्रफ को खत्म करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब उसके बाद क्या करना है कि इसको डबल बॉइलिंग मेथड से गर्म करना है, ताकि जो कैम्फर है ना वो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। तो अभी आप देख सकते हैं, इसको मैंने चम्मच की हेल्प से थोड़ा सा तोड़ लिया है और इसको अच्छे से मिक्स करती जाऊंगी मैं, ये हल्का गुनगुना भी हो जाएगा और साथ ही इसमें बहुत ही अच्छे से डिजोल्व हो जाएगा हमारा कैम्फर। तो इसकी वजह से क्या होगा ना कि ये स्ट्रांग ऑयल हो गया है बहुत ही ज्यादा, ये आपके बालों से डैंड्रफ को पूरी तरह से खत्म करेगा, अगर जुओं की प्रॉब्लम है ना तो उसको भी खत्म करेगा, और इसको आपको अपने सिर्फ स्कैल्प में ही लगाना है, पूरे बालों में इसको नहीं लगाना है। ये जो ऑयल है ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग ऑयल है, ये आपके बालों से डैंड्रफ खत्म करेगा, साथ ही अगर जुओं की प्रॉब्लम है तो ये जुओं को भी खत्म करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग ऑयल है ये। अच्छा, आपने देखा कि मैंने जो नीम ऑयल है उसको मिक्स किया था होममेड एलोवेरा ऑयल में। तो अगर आपके पास होममेड एलोवेरा ऑयल नहीं है तो इसको बनाने का तरीका मैंने अपने YouTube चैनल पर शेयर किया है, उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, साथ ही ये जो वीडियो खत्म होगी ना उसके लास्ट में भी मिल जाएगी। और अगर आपके पास नहीं है या फिर अगर आप ऑयल नहीं बनाना चाहते तो आप कोई भी ऑयल जो भी आपके पास है यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसको 2-3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए ऑयल को, उसके बाद शैम्पू से अपना हेयर वॉश अच्छे से कर लीजिए। और अब चलिए बनाते हैं हम लोग दूसरी रेमेडी। ये जो दूसरी रेमेडी है ना वो आपके स्कैल्प से डैंड्रफ को क्लीन करने के साथ साथ आपके बालों को, स्कैल्प को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज भी करेगी। तो इसके लिए मैंने 4 टेबल स्पून के करीब दही मिलाया है, दही के अंदर बहुत ज्यादा लैक्टिक एसिड होता है, नेचुरल ऑयल्स होते हैं जो कि आपके स्कैल्प से डैंड्रफ को क्लीन करने के साथ साथ बालों को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज भी करता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे हनी ऐड किया है, हनी जो होता है इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, ये हमारे स्कैल्प को बहुत अच्छे से सूद करने का काम करता है। अगर इचीनेस की प्रॉब्लम है या फिर अगर आपकी स्कैल्प बाल बहुत ड्राई हो गए हैं, कई लोगों के विंटर्स में बाल और स्कैल्प ड्राई हो जाते हैं, तो आप इस रेमेडी का अगर यूज करते हैं ना तो ये आपके बालों को मॉइस्चराइज करने के साथ साथ डैंड्रफ को भी क्योर करता है। उसके बाद एप्पल साइडर विनेगर 2 टेबल स्पून के करीब मैंने मिक्स किया है, एप्पल साइडर विनेगर बहुत ही अच्छे से हमारे स्कैल्प को क्लीन करने का काम करता है, डैंड्रफ को हटाने में बहुत हेल्पफुल है और साथ ही जो डेड स्किन सेल्स होता है ना उसको भी हटाता है। तो ये एप्पल साइडर विनेगर यहाँ पे मेन इन्ग्रीडियंट है
और दही मेन इंग्रेडिएंट है, बाकी आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो, बट ये दोनों चीज होनी ही चाहिए। उसके बाद कैस्टर ऑयल मैंने मिक्स किया इसमें। अगर आपको मतलब अगर आपके बाल ड्राई रहते हैं, स्कैल्प ड्राई रहती है, तो आप सारे इंग्रेडिएंट का यूज करिएगा। आप देखिए आपके डैंड्रफ भी हट जाएंगे, साथ ही आपकी स्कैल्प और बाल बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज भी हो जाएंगे। इसको अच्छे से पूरे स्कैल्प में और पूरे बालों में लगाना है। जो पहली रेमेडी थी उसको सिर्फ आपको अपने स्कैल्प में लगाना था, बट इस वाली रेमेडी जो है ना, ये जो हेयर मास्क है, इसको आपको अपने पूरे बालों में लगाना है। स्कैल्प में तो लगाना ही है, फिर उसके बाद थोड़ी देर वेट करिए, उसके बाद नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर सकते हैं या फिर शैम्पू का यूज कर सकते हैं आप। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, मैंने अपने स्कैल्प में और अपने बालों में इस मास्क को अच्छे से लगा लिया है, और लगाने के बाद 2 या 3 घंटे आप छोड़ दीजिए, उसके बाद माइल्ड शैम्पू से अपना हेयर वॉश कर लीजिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो दोनों रेमेडीज हैं वो पसंद आई होंगी। पूरी तरह से नेचुरल हैं, बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं। ट्राई करिएगा तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। तो इसको जरूर ट्राई करिएगा। बहुत सीवियर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है आपको तो वीक में 1 बार 2 बार जरूर इसको यूज करिए। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपकी छुट्टियां चल रही हैं या फिर किसी वजह से आपके पास टाइम मिल जा रहा है आपको, तो 2 बार इसको जरूर ट्राई करिएगा हफ्ते में। और साथ ही आपके घर में या फिर फ्रेंड्स में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन लोगों को विंटर्स में बहुत ज्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उन लोगों में भी मेरी ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे मोटिवेट करने के लिए एक लाइक भी दे दीजिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।